हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय तुआ। मैं अपने होटल से जा रही हूँ बाय वॉक मदीना की तरफ, क्योंकि होटल से जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा करीब है और फजर का टाइम हो रहा है। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज फर्स्ट डे है। और फिर आगे चल के मैं व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और करीब ही देख रहे हैं आप सामने जो है नज़र आ रही होगी मदीना की जो वो होती है, देखिए नज़र आ रही है जो छतरियाँ। देखिए सीधा सीधा जा रहे हैं, बहुत करीब में होटल हमारा ना, मतलब बाय वॉक डिस्टेंस पे। और आराम से आप इंजॉय करते हुए जाएँ, शॉप वगैरह देखते हुए जाएँ। और अभी शुरू आ गई यहाँ से, शुरू हो गई। अब यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे, और जो शॉप है वो खुल चुकी है। लेकिन अभी ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली हैं, मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ तो कैमरा तो हिल रही है। और जल्दी भी है कि नमाज में निकले नहीं, क्योंकि अभी तक अजान हुई नहीं है तो इसलिए। और जगह भी यहाँ बहुत मुश्किल से मिलेगी वह अंदर, अगर मैं देर हो, अगर मुझे देर हो गई तो। फाइनली हम एंटर हो गए हैं मस्जिद नबी में। वो नंबर ये लिखा हुआ इधर, इधर गेट नंबर 311। और यहाँ से हम इंटर हो गए। और ये रहा रोज़ शरीफ पढ़ने ज़रा एक बार। और अभी हम यहाँ बैठ चुके हैं फजर की अजान का वेट कर रहे हैं, और हम थोड़ा बाहर की साइड बैठे क्योंकि अंदर बिल्कुल फुल हो गया है, कोई भी जगह नहीं है, इसलिए इतना प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। ओके, हमने फजर की नमाज़ पढ़ लिया, हम जा रहे हैं होटल की तरफ। सुबह भी हो गई है और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ओके, तो यहाँ होटल में हमारे नाश्ता भी मिल रहा है और अंडा घोटाला और उसके साथ पराठा है। और इनके पास रखे हुए हलवा है, छोले हैं, जो कि बिल्कुल भी नाश्ता नहीं खाते। क्योंकि नाश्ता तो समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया नाश्ता तो। और यहाँ हम आए हैं नाश्ता लेने के लिए, यहाँ चाय बन रही है, चाय लेंगे यहाँ से और पराठा लेंगे यहाँ से। ये है शॉप जहाँ से हम नाश्ता लेंगे। इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।